हमारे देश की शिक्षा पद्धति ऐसी है कि हमें बाकी देशों में शिक्षा पद्धति ऐसी बनाई गई है कि उनकी मातृभूमि के प्रति, उनके राष्ट्र के प्रति, उनके संस्कारों के प्रति उनमें निष्ठा हो। एक भारत ही ऐसा भागा देश है जिसकी शिक्षा पद्धति ऐसी है कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाए राष्ट्र के प्रति, धर्म के प्रति, सनातन के प्रति और अपने संस्कारों के प्रति वो गरीब महा नंगा, उसके पास कुछ न बचने पाए। आपने देखा होगा पहले दूसरे तीसरे क्लास तक बच्चे बड़े प्यारे लगते हैं, बड़े अच्छे लगते हैं, जैसे जैसे ऊपर उठते हैं उनका कोई दोस्त नहीं, किसी बच्चे का कोई दोस्त नहीं। मुझे गंगा जी में प्रवेश करके और भगवान की विग्रह को पकड़ के कहोगे कि किसी बच्चे में कोई दोष है, मैं कभी मान नहीं सकता। सिस्टम मिट्टी को चाक पे कुम्हार गढ़ता है, वो घड़ा बनाते हैं, आरती के दिए बनाते हैं या चिलम बना दे गांजा पीने का। मिट्टी क्या करे, मिट्टी तो मिट्टी है, जो शक्ल दोगे बन जाएगी। शक्ल तुम्हें देना है, स्वरूप तुम्हें देना है। भारत देश का दुर्भाग्य है कि यहां शक्ल और स्वरूप देने की प्रक्रिया इतनी गंदी, इतनी नैस्टी, इतनी विरुद्ध। दुनिया के किसी भी देश में इतनी नीच शिक्षा व्यवस्था कहीं नहीं होगी। यहां मनुष्य नहीं राक्षस पैदा किए जाते। कोई भी माता पिता कभी दोषी नहीं हो सकता। क्या माता पिता अलग से स्कूल खोले? दो रोटी और दो कपड़े जुगाड़ करना ही मुश्किल होता है सारी जिंदगी अपने बच्चों के लिए। क्या वो गुरुकुल खोले? क्या करें? सरकारें, देश की मानसिकता ऐसी गुलाम संस्कृति के वाहक बन गए हैं कि चाह के भी कोई यहां ध्रुव प्रहलाद, चाह के भी कोई मीरा, चाह के भी कोई सखु, चाह के भी कोई रत्नावती यहां पैदा नहीं हो सकती, नहीं बन सकती। आप कितना भी चाहो वेलविश करो, खूब फलो फूलो बेटा, खूब भक्त बनो, खूब भगवान की भक्ति करो, कहां से करे? जैसे ही स्कूल पहुंची और पहुंचा सब मामला खराब हो गया। एजुकेशन सिस्टम जो पढ़ाया जा रहा है व्यर्थ की चीजें, बेकार की चीजें, पाश्चात्य संस्कृति, उसके बाद हम आशा रखते हैं कि गुरुजी देखिए पूजा पाठ नहीं करता है, क्या करेगा पूजा पाठ? थोड़ा पूजा पाठ करता तो बड़ा अच्छा होता है। और उन सब पूजा पाठ के ज्यादा पक्ष में रहता भी नहीं। पूजा पाठ करने वाले एक से एक लोग हैं, पूजा करके पूजा की टांग तोड़ दे, अब पूजा का पूजा करके फिर बाहर निकले तो दूजा खोजे कि कोई दूजा मिल जाए, तुझे नहीं कह रहा ललित, यह पूजा ललित की तरफ देख रही, बस तेरे ऊपर देख के बोले तू ही ऐसा है, ये तो गरीब है बेचारा, ये क्या तू? तो दो पाटन के बीच में साबित बचानक हुए, गुरु और पूजा की जो पाठ है इसमें तो, लेकिन अब अच्छा है, गुरु और पूजा पहले दो पाठ थे, अब गुरु पूजा हो गए तो ललित गुरु पूजा में लगा हुआ है। ललित गलत कर ही नहीं सकता, ललित को कभी कोई बीवी का गुलाम नहीं कह सकता, पत्नी का गुलाम। कोई कहेगा क्या जी हर समय, अरे बात तो गुरु पूजा में तो कहा नहीं, गुरु पूजा बस जीवन का एक ही हमारा लक्ष्य गुरु पूजा। अब तो समझने वाले समझे कि 5 मिनट गुरु 5 मिनट पूजा, गुरु पूजा ही लक्ष्य है। सबसे सुंदर ललित को ही प्राप्त है। तो कोई माता पिता दोषी नहीं। इस संस्कार को बदलने के लिए एक लंबा समय चाहिए, अनवरत, पर कोई तो सिपाही चाहिए। भारत आजाद होगा, स्वतंत्र होगा, एक लंबी लड़ाई लड़नी होगी। सब कोई कह रहा है लड़ कोई नहीं रहा, तो होगा
सारे लोग कह रहे हैं भारत को एक लंबी लड़ाई की जरूरत है, उसके बाद घर में चाय पी रहे हैं। साहब लड़ाई, अरे हम तो बोल दिए अब लोग करें तो स्वतंत्र कैसे होगा। लंबी लड़ाई की बात कहना और लंबी लड़ाई करना भी उसका पार्ट बनना, ये दो चीजें होती है। साधु संत जिन्हें तुम रिबेलियंस कहते हो, विद्रोही कहते हो, ये उस वो इसके पार्ट है जो कहते भी हैं और करते भी। संस्कार को बनाने के लिए, संस्कार शालाएं बने उसके लिए अपने जीवन को संपूर्ण रूप से अगर कोई बलि देता है तो आप देखेंगे संस्कारवान साधु संत ही देते हैं, भक्त ही देते हैं, शिष्य ही देते हैं। माता पिता का ख्याल नहीं, घर का ख्याल नहीं, व्यक्तिगत पद प्रतिष्ठा का ख्याल नहीं करते और एक लंबी लड़ाई लड़ते हैं अपने आने वाली संतानों के लिए कि जो अंग्रेजों के गुलाम बन गई हमारे देश, हमारी संस्कृति मुगलों की गुलाम बन गई हमारी संस्कृति, इससे अगर मुक्त कराना है तो आज हमें करना पड़ेगा। मैं आपसे पूछता हूं, स्वतंत्रता के आंदोलन में फांसी चढ़ने वाले, लड़ने वाले लोग क्या वो उसका सुख भोग पाए स्वतंत्रता का? बोलो, मार दिए गए पहले, फांसी चढ़ गए, गोलियां चढ़ गई, परिवार बिखर गए, मैया से बेटा अलग हो गया, पति पत्नी अलग हो गया, उनको कोई सुख मिला? सुख लेने के लिए हम जैसे नालायक बैठे, उनको क्या मिला? उन्होंने अपने जीवन की बलि दे दी। तुम चार बार भगत सिंह भगत सिंह भगत सिंह कह देने से क्या भगत सिंह के घर में चंद्रशेखर आजाद की मैया को बाद में 2 रुपए की नौकरी करनी पड़ी? चंद्रशेखर आजाद की मैया के शव को शायद अंतिम संस्कार करने वाला कोई नहीं था। ये वही देश, ये चौक चौराहों पर मूर्तियां लगा करके, बूट जूते पहन करके, सायरन बजा करके, एक दिन आकर के फूल माला डालने वाले लोग, बाकी दिन जो कौवे और चिड़िया उनके ऊपर विष्ठा त्याग करते रहते हैं, ये वो देश है। उनकी माताओं का, उनके परिवारों का क्या हाल हुआ? क्या ये देश कभी याद करता है, कभी देखता है? नेताजी सुभाष चंद्र के माता पिता के साथ क्या हुआ? इस देश को बहुत कुछ जानना होगा। 70 सालों में जैसे मर्द पिक्चर में अमिताभ बच्चन कहता है किसी ने मां का दूध पिया है तो आ जा, और फिर कहता है मां का दूध पिया हो तब ना, अब सारे डब्बे का दूध पी पी के डब्बे बन गए। अंग्रेजों को कहता है इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड, लदेख इंडियंस भी आ गया, डॉग भी आ गया और उसका घोड़ा भी आ गया, बता। देशभक्ति पर पिक्चर बनी थी मर्द। तो संस्कार, संस्कार के वाहक माता पिता भी हैं। माता पिता 100 मीटर तक दौड़ चुके हों तो एक बार वो डंडी जरा गुरु को पकड़ा दो। कैसे पकड़ा दे, जन्म दिए हम, फल खाए दूसरा कोई? अरे फल खाने के लिए थोड़ी गुरु बने हैं। इसमें भी कई आदमी कहते हैं कि नहीं आप तो फल ही खा रहे हैं, 2 साल से मैं देख रहा हूं, अन्न कम कर दिया है आप, यहां दूसरे फल की बात हो रही है। पैदा किया हम तो चाहे बने चाहे बिगड़े हमारा रहेगा, आप प्यार करते हो कि हक जताते हो? बंधुआ मजदूर बनाए हो, प्यार करते हो तो स्वतंत्रता दो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम किस संस्कार को पाना चाहते हो? खैर इसी जमाने का बच्चा है तो कहेगा नहीं कि हम मीरा बनना चाहते। छोटे बच्चे से पूछो क्या बनोगे, टिंग 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 गुल 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 कर, हमके क्या टिंग 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 गुल गुल कर कर, सचिन तेंदुलकर कर कर, कमाल है। सचिन तेंदुलकर कोई बुरे आदमी नहीं, बेस्ट क्रिकेटर। अमिताभ बच्चन एक्टर है, सामाजिक जीवन में भी वो कैसे हैं क्या हैं? लेकिन भारतीय संस्कृति के प्रति, भारत देश के संस्कार और गहरे हो, सनातन संस्कार, इसके लिए वो हीरो क्या करते हैं? आपसे पूछता हूं, बॉलीवुड लव जिहाद का अड्डा, सारी जिंदगी दिखाया गया बॉलीवुड में कि इमरान ने पूजा से प्यार किया, पूरा दुनिया दुश्मन हो गया लेकिन प्यार सफल हो गया। लेकिन एक पिक्चर में अगर रामलाल ने रेहाना से प्यार कर लिया तो सिनेमा हॉल में आग लग गई। ये बॉलीवुड का जिहाद नहीं,
आज 70 साल से क्या देख रहे हो, धीरे धीरे भर दिए सब कुछ। फिल्म के 10 रील में जहां देखोगे, मैं आज से 70-60 के दशक की पिक्चर जब देखता हूं, तो दिलीप कुमार का नाम क्या था, यूसुफ खान। ये वो देश है जहां यूसुफ खान को भी सफल होने के लिए दिलीप कुमार बनना पड़ता है, क्योंकि भारत सहजता से अपनी संस्कृति को छोड़ने को तैयार नहीं था, इसलिए दिलीप कुमार बनते हैं, राम श्याम पिक्चर बनानी पड़ती है और करताल लेके भजन करने पड़ते, और बॉलीवुड ने ऐसा पूरा भारत बदला। देखते देखते हमारे बच्चे कब बदल गए कुछ पता नहीं चला, कब चेहरा घुस गया कुछ पता नहीं चला, और वो लिबरल हो गए। हम ये सब नहीं मानते, ये सब फालतू जी, फालतू नहीं है, हम बंधन नहीं मानते। बंदर नहीं मानते तो अफगानिस्तान चले जाओ, यहां तो 10 बार बॉयफ्रेंड बनाओ और 5 बार छोड़ो और 9 बार नया नव बनाओ, कोई कुछ नहीं करेगा, गोलियां भेजन उतार दी जाती है खड़ा करके, एक साथ 100-100 स्त्रियों और लड़कियों को बिठाया जाता है, तंग तंग माथे में फाड़ दिया जाता है, कोई कभी देखा नहीं पीढ़ी में, वहां लव करना भी मना है। ये यही संस्कृति है, मां बाप है जो तुम्हें छोड़ भी दे रहे हैं। बात बड़ी गहरी कह रहा हूं, एक तरफ तुम्हें लिबरल होने का सपना दिखाया जाता है, चेहरे तो कम से कम ओपन करके बैठे हो, नहीं इसी गर्मी में भी ढक के बैठना होता है, मजबूरी में जा नहीं सकते बाहर, यहां तो बैठे हो चेहरे उठा उठा के, मां बहन भाई बहन बेटा सब इशारे समझो, जो लिबरल होने का ढोंग रचते हैं, जो स्वतंत्रता देने का ढोंग रचते हैं, वो कितने कंजर्वेटिव हैं। आज करोड़ों देश के मुस्लिम महिलाओं ने 3 तलाक का विरोध किया तब जाकर ये कानून बन पाए, और नहीं तो CAA और NRC के खिलाफ बैठ गई महिलाएं, 3 तलाक के खिलाफ क्यों नहीं बैठी, क्योंकि वो भी बरसों और सदियों से पीड़ित थी, माथा खोलकर समाज में चल सके आनंद के साथ रह सके ये तभी हुई इच्छा उनके भीतर में भी थी। इसलिए श्रीमान नरेंद्र दामोदर दास मोदी के इस फैसले को उन्होंने स्वीकार कर लिया, क्योंकि अपनी स्वतंत्रता की बात थी। बॉलीवुड बड़ा खतरनाक है, ध्यान रखना, अपनी संस्कृति की फिल्में देखो। अभी हमने देखा कि सीता का रोल करने के लिए कोई करीना खान को कहा जा रहा था, ऐसा विरोध हुआ सोशल मीडिया पर कि निर्माता पीछे हट गया, बोला भैया ऐसे ही रुपया डूब जाएगी हमारी पिक्चर की, पूरी दुनिया में तुम्हें कोई और नहीं मिला, तुम करीना खान को सीता बनाओगे, अपनी संस्कृति में तो रह नहीं पाई, और एक बच्चे को जन्म दिया तो नाम दिया तैमूर, जिसने भारत को रक्त रंजित कर दिया था, जिसने भारत के नन्हे बाल गोपालों को अपने भाले और राइफल के बट में लगे हुए छुरे में मालों की तरह गूंथ दिया था, नाम दिया तैमूर, सनातन धर्म के बच्चों को जिसने गांव के गांव आग लगवा दिए थे, जाओ मोमबत्ती नहीं जलाता था, गांव जलवा देता था रोशनी के लिए, और उसमें लोग होते थे जल के मर जाते, बच्चे का नाम दिया तैमूर, वो बनेगी सीता, और हम स्वीकार करेंगे। और कई से मूर्ख हैं, कहेंगे कला में क्या रखा है, कला में तेरा बाप रखा है, कला में क्या रखा है,
कला ही सब कुछ है, तो दुनिया में जितने भी कोई पाप करे तुम्हारी संस्कृति को मिटाए और कलाकार हो तुम क्षमा कर दोगे? तो मैं सारे बच्चे बच्चियों को कहूंगा तुम लोग भी कलाकार बन जाओ और जितनी गंदे काम कर रहे करो। हम माँ बाप को कहना कलाकार हो गई, सारी कलाकारी निकाल देंगे दो ही दिन में माँ बाप, फिर हम कलाकारी खत्म कर देते, संसार ही ठीक नहीं। चलो प्यार हुआ क्या हुआ, किससे विवाह किया, करो तुम्हारी जो मर्जी। इस देश को लूटने वाले लुटेरे के नाम पर अपने बच्चे का, ये भारत देश ही एक हिजड़ा देश है, नपुंसक देश है, जहां ऐसी हिमाकत की जा सकती है। किसी अन्य राष्ट्र में ऐसा सोचना भी गुनाह है, फांसी के तख्ते पर और गोलियां मार दी जाएंगी एक मिनट में। उस देश को लूटने वाले, उस देश को मिटाने वाले के नाम पर उस देश का कोई नागरिक अपने बच्चे का नाम रखे, इस दुनिया के 200 देशों में एक देश भी मुझे बता दो एक भारत को छोड़कर। ये भारत है, यहां लिबर्टी की हवा चल पड़ी है, यहां स्वतंत्रता की हवा चल पड़ी है। ये सब गुलाम होने वाले लोग, भविष्य में तड़पने और तरसने वाले लोग, अपनी ही बनाई संपत्तियों को अपने आंखों के सामने लुटते देखने वाले लोग, ये संस्कार की बात करते हैं। इसलिए मैं कहता हूं माता पिता हो, जन्म दिया है बच्चे को, प्यार करो, लेकिन सही समय पर गुरु को पकड़ा दो शिक्षा के लिए। कोई सनातनी गुरु, कोई संस्कारी गुरु, जो भारत के प्रति, सनातन के प्रति, संस्कृति के प्रति और मोक्ष और आत्मज्ञान के प्रति गंभीर हो, जिसके जीवन का लक्ष्य केवल बाप बढ़ाना भैया सबसे बड़ा रुपया न हो, जिसके जीवन में चंद कागज के टुकड़े ही सबसे ज्यादा महत्व न रखते हो, जिसके जीवन में कागज के टुकड़े और शरीर ही न हो, बल्कि जो आत्ममुखी हो, जो आत्मा को अमर मानता हुआ इस आत्मा को तुष्ट और पुष्ट करने की दिशा में आगे बढ़ता हो, जो तुम्हारे पालकों को संतोषी बनाता हो, त्यागी बनाता हो, बलिदानी बनाता हो, वीर बनाता हो, धीर बनाता हो, योग्य बनाता हो, ऐसे किसी गुरु के हाथ में हाथ पकड़ो, सही समय रहते, बाद में कोई उपाय नहीं। अब पछताए हो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, और दो तो फिर विश्वास रखो, गुरु के गुरु मत बनो, देते तो हैं पर ये वही ट्यूशन संस्कृति, हमारी कभी थी नहीं ट्यूशन संस्कृति, कभी देखा है ट्यूशन संस्कृति हा? कभी देखा दुनिया में भारतवर्ष में कि कोई राजा का बच्चा भी हो और उसको पढ़ाने को आया हो कोई गुरु आज तक? अरे कृष्ण को भी जाना पड़ा, दुनिया में चाहे चक्रवर्ती सम्राट का बेटा भी क्यों ना हो पढ़ाने कोई नहीं आता, जाना तुमको पड़ेगा। वशिष्ठ के द्वार पर राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जाते थे, वशिष्ठ द्वार पर आके पढ़ाते नहीं थे कभी। ये तो हमारे जैसे ही पतित लोग हैं जो कभी चांपा घूमते हैं, कभी शिवरी नारायण घूमते हैं, कभी किसी के घर में रहते हैं, कभी किसी को शिक्षा देते हैं, और दो तीन चार महीने के बाद घर वालों को लगता है ये तो बड़ा गड़बड़ है। वरना महात्मा को तो अपने पीठ को छोड़ना नहीं चाहिए, बैठा है तो बैठा है अपनी जगह पे, आओ तो होगा पढ़ो, अने तो पढ़ो। ये तो अनंत कृपा की जरूरत थी, संत कम थे, लोग आने को तैयार नहीं थे, संतों ने स्वीकार किया मैं दर दर जाऊंगा, द्वार द्वार जाऊंगा, लेकिन फिर वही ट्यूशन टीचर जैसी उनकी गति हो गई। गुरु के पास अपने बच्चे को देते भी हैं तो पूरा अधिकार के साथ, गुरुजी देखिए उसको क्रोध ज्यादा करता है सिखा दीजिए, तो जी माता जी गुरु की गुरु, ट्यूशन टीचर बनाए गुरु बने, दंडवत होकर भूमिष्ठ होकर और कहो प्रभु हम भी आपकी शरण में, या आपका संतान भी आपकी शरण में, नाथ कुम्हार हो आप, चाकी आपके हाथ में है, मिट्टी का लोंदा है, जो चाहो बना दो, संभव है तुम्हारे हाथों में रहे तो चिल्लम बन जाए, पर गुरु के हाथों में कोई चिल्लम नहीं बनेगा, जब बनेगा तो दीपक और धूप देने की पात्र ही बनेगा, भगवान के काम आने वाला ही बनेगा, वो वैसा ही गढ़ेंगे वैसा ही बनेगा।